अभी मैं आपको टेबल ऑफ नाइन बताऊंगी। ऐसे तो टेबल ऑफ नाइन हम सीधा नंबर और उल्टा नंबर लिख के कर सकते हैं, बट मैं आपको फिंगर मेथड से टेबल ऑफ नाइन कैसे इजी वे में कर सकते हैं वो आपको सिखाऊंगी। ये मेरी 10 फिंगर्स है, इन सबको मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमारे पास क्वेश्चन है 9 7 जा, तो मेरी 7th नंबर की जो फिंगर है उसे मैंने फोल्ड कर दिया। तो इसके पहले कितने फिंगर है? 6। इसके बाद में कितने फिंगर है? 3। तो आंसर इज 63। तो मैंने यहां पर लिख दिया 63। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 5 जा, मैंने अपनी 5th नंबर की फिंगर को फोल्ड कर दिया। इसके पहले कितनी फिंगर है? 4। इसके बाद में कितनी फिंगर है? 5। तो आंसर इज 45।